वेलकम टू वाले समटाइम हार्शर फीलिंग इन रशियन एपिसोड 13 पार्ट 2। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई नो काफी फैंस जो कि इस चैनल पर न्यू हैं, उनके मन में ये डाउट पक्का होगा कि आखिर कैसे मैं आले समटाइम हार्शर फीलिंग इन रशियन एनिमे का 13 एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार सीजन 1 में सिर्फ 12 एपिसोड ही है। तो यार जो भी एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 2 से इस चैनल पे हैं, उन्हें शायद ये डाउट नहीं होगा, क्योंकि यार मैं एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन एनिमे की तरह ही आले समटाइम हार्शर फीलिंग इन रशियन सीजन 1 के सारे एपिसोड की स्टोरी एनिमे से नहीं बल्कि के लाइट नॉवेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड भले ही एनिमे की स्टोरी लाइट नॉवेल पे ही बेस्ड है, बट स्टिल एनिमे का लेंथ कम करने के लिए मेकर्स ने लाइट नॉवेल से काफी स्टोरी को स्किप भी किया है, बट मैंने वीडियोस में उन सारे स्टोरीज को कवर किया है और इसी वजह से वीडियो की लेंथ इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे एक एक्स्ट्रा एपिसोड में उसे कवर करना पड़ा। सो यार उम्मीद करूंगा कि तुम्हें अब कोई भी डाउट नहीं होगा कि आखिर कैसे इसका 13 एपिसोड हो गया। और हाँ, सीजन 1 के एंड होने के बाद ही जल्द ही सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम सीजन 2 में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड नाउ एपिसोड 13 पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो यार अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें पक्का याद होगा कि जब आले ने अपना स्पीच खत्म किया तो ऑडियंस के साइड से उसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और साथ ही कूजे भी उसकी तारीफ कर रहा है। एंड नाउ अब स्पीच देने की बारी कूजे की है और अब फाइनली कूजे पोडियम पर है। एंड यार कूजे की स्पीच और उसके प्रेजेंटेशन से उसका एक्सपीरियंस साफ झलक रहा है। कूजे काफी फनी वे में अपनी सारी बातें ऑडियंस से कह रहा है, जो कि काफी एंटरटेनिंग है। और हाँ, इससे पहले कि कोई उससे पूछता कि आखिर क्यों उसने इस साल यूकी की जगह आलिया के साथ खड़े होने का फैसला किया, कूजे ने पहले ही काफी फनी वे में ऑडियंस को इस क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि यार मेनली कूजे को अपनी स्पीच में यही बताना है कि आखिर कैसे आलिया काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। इसलिए कूजे सबसे ये पूछ रहा है काउंसिल का प्रेसिडेंट आखिर कैसा होना चाहिए, और ये क्वेश्चन करने के बाद कूजे ने खुद बताया कि उसके हिसाब से काउंसिल का प्रेसिडेंट ये ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की काबिलियत हो। एंड इसके बाद फिर से कूजे ऑडियंस से पूछ रहा है कि आखिर वो आलिया के स्पीच के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर से कूजे ऑडियंस से कह रहा है कि उसे आलिया के स्पीच ऑकवर्ड लगा, लेकिन साथ ही आलिया का स्पीच काफी जेन्युइन और दिल को छू देने वाला था। और साथ ही कूजे का ये भी कहना है कि आलिया सबकी बातें सुनती है और शायद इसीलिए उसने मेरे कहने पर अपनी स्पीच रशियन में स्टार्ट की, और इसीलिए मैं यूकी की जगह आलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ सभी आलिया को सपोर्ट करें। बट कूजे को पता है कि शायद उसका पर्सनल ओपिनियन सबके माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए कूजे ने सबको ये भी बताया कि जब आलिया काउंसिल प्रेसिडेंट बन जाएगी तब तानियामा और नोनो भी उसके साथ स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। और ये सुनकर सबके साथ साथ यूकी भी सरप्राइज्ड है, जिसके बाद कूजे ने तानियामा और नोनोवा को भी स्टेज पर बुलाया। और इन दोनों को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले दो डिबेट के राइवल और साथ में काम करने वाले हैं। और इसी इंट्रोडक्शन के साथ ही कूजे ने अपना स्पीच खत्म कर दिया, और इन चारों को साथ में देखकर पूरी ऑडियंस काफी खुश है। लेकिन कूजे का कहना है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ आलिया के वजह से पॉसिबल हुआ है, और हाँ तानियामा ने इस हेल्प के बाद आलिया का अपने ऊपर से एहसान भी चुका दिया है। और वहीं दूसरी तरफ आयानो यूकी से माफी मांग रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आज ये दोनों उसकी वजह से ही हारे हैं, लेकिन यूकी का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। उसके हिसाब से शायद उसने अकेले लड़ने का फैसला किया, ये उनके हार का रीजन हो सकता है। इन नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि फाइनली समर ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, और हाँ अभी कूजे और आलिया लास्ट वीक एग्जाम का रैंकिंग देख रहे हैं। और तुम्हें याद है ना, आलिया ने कूजे से प्रॉमिस किया था कि अगर वो टॉप 30 के लिस्ट में आया तो वो कुछ भी विश कर सकता है, लेकिन यार कूजे का रैंक 33 है, और अब बेट के हिसाब से आलिया कूजे से एक विश मांग सकती है। सिंस आज का दिन काफी टायरिंग था, इसलिए दोनों घर वापस जा रहे हैं। और हाँ, कूजे आलिया को बेट के बारे में याद दिला रहा है और वो जानना चाहता है कि आखिर आलिया क्या चाहती है, बट आलिया के माइंड में अभी कोई भी विश नहीं है और वो ये विश सभी और उससे मांगेगी। और यार हाँ, आलिया को लग रहा था कि कूजे ये बेट जीतेगा, और शायद इसीलिए उसे क्या विश करना चाहिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन यार कूजे को याद है कि आलिया ने उस दिन रशियन में फर्स्ट नेम कहा था, इसलिए बेट हारने के बाद भी कूजे आलिया से कह रहा है कि सिंस हम क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं तो हमें एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। और ये सुनकर आलिया भी काफी ब्लश कर रही है, बट स्टिल उसने ब्लश करते हुए ही सही बट कूजे को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया। और कूजे भी ये सुनकर काफी साई फील कर रहा है, इतना कि दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। और अब दोनों सू चेंज करके स्कूल के बाहर आ चुके हैं, और हाँ सिंस अब समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों स्कूल में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कूजे आलिया से पूछ रहा है कि क्या हम समर ब्रेक में भी इलेक्शन के काम के लिए मिल सकते हैं। और ये कहते हुए वो आलिया से आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए आलिया उसे रशियन में सामने देखने को कह रही है। और जैसे ही कूजे ने आलिया की आंखों में देखा, आलिया का कहना है कि हाँ जरूर, और आलिया का हाँ कहते ही एपिसोड 13 पार्ट 2 एंड हो गया। लेकिन यार स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। आलिया समटाइम हार्शर फीलिंग इन रशियन के लाइट नॉवल में अभी काफी स्टोरी आर्क बची हुई है, जिसे मैं सीजन 2 के स्टोरी एक्सप्लेनेशन में कवर करने वाला हूँ। सो या अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अगर तुम सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार टिल द एंजॉय एनिमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।